सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनतराई में 12 वर्षीय बालिका की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक आस्था केरकेट्टा कक्षा 7वीं की छात्रा थी और वह अपनी सहेली के साथ पसरा तालाब नहाने गई हुई थी। इसी दौरान तालाब में डूबने से बालिका की मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी सीतापुर विधायक कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके दी। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक कार्यालय ने तत्काल सीतापुर एसडीएम और एसडीओपी को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही सीतापुर पुलिस व प्रशासनिक अमला के साथ विधायक रामकुमार टोप्पो भी मौके पर पहुंचे। तालाब में ज्यादा पानी होने के कारण रात में शव को तालाब से निकालना मुश्किल लग रहा था, लेकिन सुबह का इंतजार न करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे सीतापुर विधायक के निज सचिव लखन सिदार ने एक ग्रामीण के साथ तालाब में घुसकर कर कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकालने में कामयाब हुए। इस घटना से पूरे सोनतराई ग्राम में दुख का माहौल रहा। सीतापुर विधायक ने मृतक परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी, साथ ही उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को शासन की ओर से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीतापुर पुलिस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। जी बिल्कुल सर, हम लोग सब कार्यालय में थे, लगभग फोन आया वहाँ पे लैंडलाइन नंबर पे, तो उसमें पता चला कि एक बच्ची कुआं में गिर गई। पहले तो ये आए जानकारी में, फिर बाद में अपन जब पुलिस थाने को भी सूचना दिए तो वहाँ बात तो हुई, तो निकल रहे टीम बोले। उसके बाद जैसे हम लोग सब थे तो एक बार चला जाए नजदीक में है बोले, तो भैया हमारे माननीय विधायक जी को भी हमने सूचना दिया, तो उनके आदेशानुसार हम लोग सब यहाँ पर आ गए सर। और उसके बाद पता चला कि तालाब में है, और तालाब में जाने के बाद पूरे ग्रामीण लोग के साथ हमने तब तक हम लोग पूरे थे, फिर पुलिस भी आई वहाँ पे। फिर जैसे मेरा एक आकलन था, मैं भी गांव में था, जिस हिसाब से तो तैरने के लिए तो आता है, लेकिन यहाँ जब देखे तो गांव वाले से भी पता किया कि बच्ची तैरने नहीं आती है, तो नीचे ही सीढ़ी के अगल बगल ही होगी। तो इस अंदाज से मैं भी बोला कि शायद होगा, तो बाकी तैयार नहीं थे तो हम जा करके उनको निकाला। अगर अभी आप नहीं होते तो सुबह आपकी बॉडी निकल पाता, काफी दिक्कत। जी जी, अगर हम वातखोर का जी हम जो इंतजार करते तो नीचे ही मेरे हिसाब से 10 बजे के बाद ही हो पाता, और जिस हिसाब से एक ग्रामीण भी हमको साथ दिया इसमें निकालने में, तो हमने नजदीक जैसे ही था, जैसे पच्चू जो बने रहता है तो उसी के 5 फीट लगभग दूरी में जो पैर के माध्यम से पता चला, तो अंदाज से हम निकाल लिए सर। अपने परिचय बता दीजिए। मैं नाम लखन सिदार है और हम माननीय विधायक जी का मैं निज सचिव हूँ। विधायक कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर यहाँ के ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, उसको देखते हुए तत्काल विधायक कार्यालय के स्टाफ सभी यहाँ पहुंचे और हमको भी अवगत कराया, लेकिन हमारे आने तक हमारे टीम द्वारा उस बच्ची को पानी से निकाला गया, जिसमें हमारे मुख्य सचिव का बहुत अहम रोल रहा। ये बहुत दुखद घटना है कि 12 साल की बच्ची नहाने गई थी और फिसल के किसी हिसाब से पानी में गिरी और डूबने से मृत्यु हो गई है। अभी उसका लाश बरामद हुआ है, कल इसका पोस्टमार्टम होगा और पंचनामा तैयार किए जा रहे हैं। इस घटना पे एक तालाब है और इसके गोताखोर का इंतजार करने से कल ही टीम आ पाती होगी। इसको देखते हुए क्या है, यह सभी स्टाफ जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और तैरना बखूबी आता है, इसको देखते हुए हमारे निज सचिव ने स्वयं पानी में उतर के उस बच्ची को खोज करके निकाला है।